वहीं हिजबुल्ला ने बुरकान मिसाइल पर हमला किया है, बुरकान मिसाइल से हमला किया और इजरायली सैन्य बेस पर हमला किया है। गैलिली ब्रिगेड को हमले की जिम्मेदारी गैलिली ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के आतंकवादी हमले तेज करने से इजरायली लेबनानी सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दक्षिणी लेबनान से पिछले कुछ मिनटों में उत्तरी इसराइल में 25 मिसाइलें और रॉकेट दागे गए। लेबनान सीमा के पास उत्तरी इसराइल के कस्बों पर हिजबुल्ला के आतंकियों ने विस्फोटकों से लैस रॉकेट और ड्रोन लॉन्च किए। हिजबुल्ला के आतंकियों ने इसराइली सेना के ठिकानों समेत कई इलाकों में भारी नुकसान पहुँचाया है। हालांकि हिजबुल्ला ने अब तक मात्र 6 घटनाओं की ही जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्ला ने किरियत शमुना और ऊपरी गलील के कई ठिकानों पर मिसाइल और सुसाइड ड्रोन लॉन्च किए, जिसमें इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा। रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। हिजबुल्ला ने 3 सुसाइड ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है। किरियत शमुना के पश्चिम में इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के ठिकाने पर भी हिजबुल्ला ने हमले किए। मारून अलरास में इजरायली गोलाबारी में लेबनानी संसद सदस्य अबलान का घर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। और हिजबुल्ला ने इसराइल को दी धमकी, इसराइल पर हमले की धमकी दी। वीडियो जारी कर किया शक्ति प्रदर्शन। वीडियो के साथ लिखा, हम आ रहे हैं। लगातार ऐसी धमकियां हिजबुल्ला की तरफ से हमले और साथ ही वीडियो जारी करके ये धमकी दी जा रही है। या तो हिजबुल्ला की खतरनाक तैयारी, 7 अक्टूबर जैसा फिर होगा हमला, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। हिजबुल्ला ने वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाई। 3 मिनट 11 सेकंड का है यह वीडियो। वीडियो के साथ लिखा, हम आ रहे हैं। हिजबुल्ला के लड़ाकों की जंगी तैयारी इस वीडियो में दिखाई गई है और यह दावा किया गया है कि बड़े हमले की तैयारी में हम हैं और बड़ा हमला करेंगे इसराइल पर। हिजबुल्ला के इस जंगी तैयारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर गौर करते हैं। हिजबुल्ला ने वीडियो में क्यों लिखा हम आ रहे हैं? क्या हिजबुल्ला कुछ बड़ा करने वाला है? क्या हिजबुल्ला 7 अक्टूबर जैसा हमला करने वाला है? ये सवाल उठ रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद से।